Ciliary flagella, the structure. First, the contents. The size of ciliary flagella, the structure of ciliary flagella, and the exonyms. So first, the size. If we look at the size, then the size cilia they are very short as compared to the flagellum. So we say that cilia are very short appendages, while द फ्लेजेलम दे आर वेरी लॉन्ग अपेंडिजिज अपेंडिजेस कहते हैं सेल से बाहर जो भी चीज़ निकली होती है उसका हम अपेंडेज क्या बोलते हैं जैसे अगर हम ये देखें तो हमारा बॉडी जो है ये हमारा मेन बॉडी है तो उसकी तरफ बाहर की तरफ जो हमारे बाजू निकले हुए हैं ये क्या है ये अपेंडेजेस हैं बाहर की तरफ निकली हुई चीज़ें हैं तो सीलिया और फ्लेजिला चूँकि बाहर की तरफ निकले होते हैं दे आर आल्सो कॉल्ड एज द अपेंडेज तो सीलिया दे आर वेरी शॉर्ट अपेंडिजेस जबकि फ्लेजेलम दे आर वेरी लॉन्ग जो वो लॉन्ग अपेंडेज हैं दोनों का अगर साइज का कंपेरिजन करें तो सीलिया की नस्बतें तो जो फ्लेजेलम में ये फाइव टू ट्वेंटी टाइम्स लॉन्गर होता है यानी अगर हमें यूं क्योंकि सीलिया का साइज़ फ़ाइव है तो फलीजेलम का साइज़ जो होता है उसमें तो मल्टीप्लाई भी फाइव करें ट्वेंटी फाइव हो सकता है या फिर हंड्रेड हो सकता है यानी से मल्टीपल टाइम्स होगा ये स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया फ्लेजेलम अच्छा स्ट्रक्चरली सीलिया और फ्लिजेला एक जैसे होते हैं इनकी केमिकल कंपोजिशन भी सेम है यूक्रियस की अगर बात करें यूक्रियस के अंदर जो सीलिया और फ्लेजेलम है ये दोनों जो है वो बेसिकली ट्यूबुलिन प्रोटीन ये माइक्रो ट्यूब्यूल्स के बने होते हैं ये तो इसलिए जब केमिकली ये ट्यूब सेम प्रोटीन के बने हुए तो इंटरनल स्ट्रक्चर भी इनका बिल्कुल सेम है अब अगर आप प्रोकैरियोट की फ्लेजेला की बात करेंगे तो वहाँ ट्यूबुलिन प्रोटीन नहीं होती वहाँ फ्लेजेलिन प्रोटीन है इसलिए इसमें थोड़ा सा क्या है कि डिफ्रेंस मौजूद है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जो फ्लेजेला है वो दैट इज मेड अप ऑफ फ्लेजिलिन प्रोटीन जबकि यू के अंदर इट इज मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन तो सीली और फ्लेजिला दोनों जो है वो ट्यूबुलन प्रोटीन के बने होते हैं अगर हम इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखें तो सेल मेम्ब्रेन अगर ये सीलिया है या फ्लेजेलिया अगर हम इसको देखते हैं तो सेल मेम्ब्रेन एक कंटिन्यूशन इसके ऊपर कवर कर रही होती है तो इसलिए आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ सीलिया और फ्लेजेला फिर क्या होगी सेल मेम्ब्रेन ही होगी तो कहते हैं सेल एक शीत है सेल मेम्ब्रेन की जो इसको कवर कर रही है दरमियान में अगर हम देखें तो सेल मेम्ब्रेन के सेंटर में जो उसके सीलिया और फ्लेजिला के सेंटर में एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज कल्ड एग्जोनिम अब मेमब्रेन और एग्जोनिम के दरम्यान में जितना भी मटेरियल है दैट इज कॉल्ड द मैट्रिक्स उसको जो हम मैट्रिक्स का नाम देते हैं एग्जोनिम जो मेन पार्ट है एंड फ्लेजिला का दैट इज एग्जोनियम एग्जोनिम को अगर हम देखें इट इज मेड अप ऑफ माइक्रो ट्यूब्यूल्स तो सीलियाजेला के अंदर नाइन डबल लेट्स ऑफ माइक्रोट्यूल्स मौजूद हैं यानी जो वन एक डबल एट टू थ्री फोर तो ये नाइन डबल एट्स ऑफ माइक्रोटूल में एक है सर्कल तो एक पूरा सर्कल बनेगा और उसके बाद सेंटर में भी दो माइक्रो माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो मौजूद हैं तो यूँ हम कहेंगे कि सिलिया एंड फ्लेजेला के जो एग्जो नीम इज मेड अप ऑफ़ सर्कल नाइन डबल एट्स ऑफ माइक्रो माइक्रोट्यूल्स एंड द सेंटर ऑफ एक्जो इज आल्सो हैविंग टू माइक्रो ट्यूब्यूल्स दो माइक्रो माइक्रोट्यूल जो है मौजूद हैं अब जो साइडों वाले डबल लेट्स हैं वो सेंटर से बेसिकली एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू कनेक्ट होते हैं एंड दैट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कार्ड रेडियल स्पोक ये वैसे ही है जैसे साइकिल का एक टायर है अब जो टायर का बाहर है जो रबड़ वाला पोर्शन है वो हम समझ लेते हैं वो नाइन डबल एट्स हैं और जो टायर का दरमियान का हिस्सा है वो क्या है वो वो टू सेंट्रल माइक्रोट्यूल्स हैं अब टायर का बाहर का हिस्सा सेंट्रल वाले हिस्से कैसे कनेक्ट है वायर्स के थ्रू कनेक्ट है इन वायर्स को हम कह सकते हैं कि ये सीरिया के अंदर इनको हम जो है वो रेडियल स्पोक्स का नाम देते हैं एक और जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन सीलिया और फ्लिजेलम के अंदर मौजूद है वो ये है कि आमतौर पर अगर ये दो डबल लेट हैं तो दोनों के दरमियान में एक डाइनन प्रोटीन मौजूद है जिसकी वजह से ये सीलिया फ्लिजेला जब वो मूव करते हैं यानी कि मूवमेंट होती है फिर द स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया फिलिजम एक्जोनीम का ये बेसिकली स्ट्रक्चर एक्जोनीम के अलावा ये बाकी जो प्रॉपर्टीज हम देख सकते हैं लुक एट दिस टॉप टॉप के ऊपर अगर आप देखें क्रॉस सेक्शन में we आर हैविंग नाइन डबल ऑफ़ द microtubules that इज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन नाइन पेयर्स ऑफ पेयर्स यूज कर लें या डबल एट्स बेसिकली हम डबल एट इसलिए कहते हैं कि ये एक कम्बिनेशन के फॉर्म में मौजूद है ये तो नाइन डबल एट ऑफ माइक्रोट्यूल्स हैं उसके बाद एक माइक्रोट्यूल्स का पेयर सेंटर में मौजूद है जैसे सेंट्रल पेयर ऑफ जो बाहर वाला सर्कल है या डबल एट है नाइन का वो सेंट्रल माइक्रोटिब्यूल के साथ आप देखें कि एक बाकायदा ये ब्लैक लाइंस इंडिकेट कर रही करें कि फाइबर लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू कनेक्ट होते हैं ये और इस फाइबर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे इट इज़ अ रेडियल स्पोक है ये ये स्पोक इसको जब वो कहेंगे एक और प्रोटीन जो हमने पढ़ी है वो है डाइननस आमतौर पर एक डबल एट से दूसरे डबल एट के दरमियान यानी अगर ये एक डबल एट है ये दूसरा है तो एक डबल एट दूसरे डबल एट से कनेक्ट होता है थ्रू डाइनन प्रोटीन तो ये डायनिन प्रोटीन जो होते हैं आर्म्स की शक्ल में कनेक्ट होती है अगर इसको ये थोड़ा सा, सा ए, लार्ज स्ट्रक्चर अगर देखा माइक्रोटिब्यूल का तो इसमें हमें ये डायनिन आर्म्स नज़र आ रहे हैं अच्छा डायनिन आर्म्स की क्वालिटी ये है कि ये डायनिन आर्म्स ही हैं जिसकी वजह से जो सीलिया और फ्लेजलम जो है एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं या मूवमेंट होती है सीलिया और फ्लेजिला के साथ एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनली और भी है दैट इज़ अ बेसल बॉडी बेसल बॉडी बेसिकली जहाँ से सीलिया या फ्लेजलम ओरिजिनेट होते हैं तो ये उसके नीचे मौजूद है यानी ये समझें कि अगर एक सीलियम ने कहीं से फॉर्मेशन उसके उसकी सीलिया की तो पहले वहाँ एक बेसल बॉडी होगी उस बेसल बॉडी के अंदर से एक सीलियम ओरिजिनेट होगा तो सीली बेसल बॉडीज़ आर बेसिकली प्रेजेंट इन द अगर हम देखते हैं बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन के जहाँ वो साथ मौजूद हैं इसके इन इनर साइड के ऊपर मौजूद हैं जिनसे सीलिया और फ्लिजिलियम जो होते हैं वो ओरिजिनेट होते हैं या निकल रहे होते हैं बेसल बॉडी का स्ट्रक्चर सीलियम और फ्लिजिलियम से थोड़ा सा डिफरेंट है पहला डिफरेंस ये है कि सीलियर और फ्रेजलम के अंदर नाइन डबल लेट्स हैं दो दो माइक्रो माइक्रोट्यूल्स के एक सर्कल मौजूद है जो नाइन है टोटल जो है वो जबकि बेसल बॉडी के अंदर नाइन डबल लेट नहीं बल्कि नाइन ट्रिपल लेट है यानी तीन तीन माइक्रोट्यूब्यूल्स का एक सर्कल है हैं वो भी नाइन दूसरा मेजर डिफरेंस ये है कि जो माइक्रोट्यूल्स जो सीलिय फ्लिजलम है उसके सेंटर में एक माइक्रोट्यूल का पेयर मौजूद होता है जबकि बेसल बॉडी के सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल का पेयर मौजूद नहीं है ये दरमियान से बिल्कुल खाली होती है ठीक है इसका अगर हम डायग्राम में भी आप देख रहे हैं कि आपको नाइन ट्रिपलेट्स नज़र आ रहे हैं जबकि दरमियान में आपको कहीं भी कोई चीज़ जो है वो नज़र नहीं आ रही है तो ये थोड़ा सा स्ट्रक्चरल डिफरेंस जो है वो मौजूद है जहाँ भी सीलिया ओरिजिनेट हो रहा होगा सीलिया की ओरिजिनेशन की बेस के ऊपर एक बेसल बॉडी एग्जिस्ट करेगी